हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हनी कॉम स्टिच सिखाऊंगी। इसकी लुक जो है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। इसको बनाना बहुत इजी है। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बनाना उतना ही आसान। मैंने इसके लिए दो लाइन्स ड्रॉ की हैं और उसके बाद आप अप्रोक्सीमेशन से इसके स्क्वेयर बना लीजिए। ये देखिए, रफली हल्के हाथों से आप स्क्वेयर क्रिएट कर लें। अब इन दो लाइंस के बीच में हम वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए मैं एंकर की गुच्छियां यूज कर रही हूं। आप जैसा देख रहे हैं इनका नंबर 4380 और 1089 है। आप कोई भी अपनी मनपसंद गुच्छियां ले सकते हैं और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। बिगाई वाली नीडल लेंगे और दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे। यहां से शुरू करेंगे हम कॉर्नर से, और ये जो हमारी सेकेंड लाइन है इसके हाफ में से हम यू नीडल को गुजारेंगे और ऊपर इसको यू निकालेंगे। अब ये जो हमारा स्टिच है डायगनल, इसको हम यू उठा लेंगे। ऐसे अब इस तरफ हम ये जो हमारा कॉर्नर है इस स्क्वेयर का, इस कॉर्नर से हाफ स्क्वेयर के हाफ तक हम नीडल को यूं निकालेंगे। ये स्टार्ट करने के लिए है, उसके बाद ये अपने आप वर्क करेगा। ये देखें ऐसे, और फिर से हम ये जो हमारा डायगनल स्टिच है इसको यूं सिंपली उठा रहे हैं हम। देखिए, अभी हम फर्स्ट स्क्वेयर में ही वर्क कर रहे हैं। फिर से हम इसके कॉर्नर से यू नीडल पास डालेंगे और सेंटर से यहां पे सेम पॉइंट से निकाल लेंगे। ऐसे, और जब इधर स्टिच लेना है हमने यहां पे, उससे पहले हमने ये जो हमारा डायगनल स्टिच हाफ है इसको यूं उठा लेंगे ऐसे, और फिर से हम ये जो हमारा सेकंड स्क्वेयर है इसके सेंटर में से, शायद आपको बड़ी क्लियरली दिखाई ना दे रहा हो, ये देखें ऐसे, इसके सेंटर से हम स्क्वेयर के हाफ मेजरमेंट से वर्क कर रहे हैं। ये देखें, हाफ हम यहां लेंगे और यहां से सेम पॉइंट से निकाल लेंगे। जैसे हम फिशबोन स्टिच करते हैं ये उसी तरीके से वर्क होता है। सिर्फ हम ये जो हमारे डायगनल स्टिचेस होते हैं इनको ही उठाते हैं। अब फिर से हम ये वाला जो सेकंड स्क्वायर है इसके सेंटर से यू नीडल पास करेंगे और पहले वाले स्टिच के बेस में से निकालेंगे। खींचने के लिए प्रेशर आपने कितना देना है ये इसके शेप से ही आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ढीला रखोगे तो ये वाला जो हमारा मोटिफ है वो गलत हो जाएगा। तो आपने इसको इतना ही प्रेशर से खींचना है ताकि ये दोनों जो हमारे हेक्सागन्स हैं वो एक जैसे दिखाई दें। फिर से हम इसको उठाएंगे और सेकंड स्क्वायर के बेस से इस स्टिच के बेस पे यू नीडल निकाल लेंगे। बहुत इजी है, बस आपने यू ही वर्क करना है और ये एंड तक बहुत अच्छा नेट बन जाएगा। बस आपने ये डायगनल स्टिच को उठाना है सेंटर की तरफ से। ये हमारा थर्ड स्क्वायर है, इसके हाफ में से हम यू नीडल पास करेंगे और यहां से निकालेंगे और फिर से हम इसको उठाएंगे और इस तरफ यहां से स्टिचेस दोनों तरफ हमने बराबर ही लेने हैं। ये देखिए, कहीं पे प्रेशर कम होगा तो वो स्पेसेस हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इतने प्रेशर से थ्रेड को खींचा जाए ताकि हमारे जो ये स्पेसेस बन रही हैं ये बिल्कुल एक जैसी हों।
और फिर से हम यूं ही वर्क करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये कैसे वर्क हो रहा है। हम सिर्फ डायगोनल स्टिच को उठाते हैं और नेक्स्ट स्क्वायर में इसको यूं अटैच करते हैं और फर्स्ट स्टिच के ऊपर इसको निकालते हैं नीडल, फिर इस तरफ से स्टिच को उठाते हैं। दोनों तरफ से हमने स्टिच को उठाना है। बस दोनों तरफ से स्टिचेस लेते हुए हमने इसको एंड तक वर्क करना है। पर ध्यान रहे, अपने हर स्टिच को सेंटर से यूं उठाना है और फिर दूसरी तरफ टकिंग करते हुए पहले स्टिच के बेस के ऊपर हमने नीडल निकालनी है। हमने ये स्क्वायर इसलिए बनाए हैं ताकि हमें स्टिच का पता चल सके हमने नीडल को कहां पे निकालना है। ये देखें, हम हाफ स्क्वायर में वर्क कर रहे हैं। देखें, हम इस लाइन से वर्क कर रहे हैं और यहां पे इसको यूं निकाल रहे हैं, और जब इधर वर्क करते हैं तो यहां से, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी दूरी पे अपने नीडल को निकालना है। ये देखें, हमारा ये अगला स्क्वायर जो है इसके हाफ में से हमने यूं निकालना है और इसके बेस में से। अगर आप अंदाजे से ठीक कर सकते हैं तो आपको स्क्वायर भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये ब्यूटीफुल सा हनीकॉम स्टिच बन के रेडी है। इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम इनके बीच में एक एक फ्रेंच नॉट भी लगाएंगे। ये देखिए, फ्रेंच नॉट लगाने के लिए हम टू रैप्स लेंगे और सेम स्पेस पे इसको यूं नीचे ले जाएंगे। इसको हल्के हाथों से ही आप बनाएंगे तो ही इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। टू रैप्स लेने के बाद हम जब नीडल को नीचे डालेंगे तो इस थ्रेड को खींच लेंगे और इसको यहां पे यू प्रेशर से पकड़ लेंगे और इस नीडल को आहिस्ता से नीचे डालेंगे। अगर रैप्स को ज्यादा जोर से खींच लेंगे तो नीचे चली जाती है हमारी नॉट, तो उससे इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से ये बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंच नॉट लगती है। तो इसी तरीके से हम सारे स्पेसिस में एक एक फ्रेंच नॉट बना लेंगे ताकि ये जो हमारा मोटिफ है ये और भी ब्यूटीफुल लगे। ऐसे तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा स्टिच बनके रेडी है जिसको कि हमने फ्रेंच नॉट के साथ थोड़ा सा डेकोरेटिव भी बना लिया है। आप ऐसे ही इस स्टिच को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, अपनी नेकलाइंस पे, अपने बॉर्डर्स पे। यहां पे भी आपको कहीं बॉर्डर या हाशिया बनाना है तो इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।